आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे पंजाब खरीद एजेंसियों के अधिकारियों की लापरवाही के चलते खुले आसमान के नीचे पड़ा हजारों टन गेहूं जानवरों के खाने लायक भी नहीं रहा, जबकि केंद्र सरकार की हिदायतें हैं कि गरीब वर्ग के लोगों को यह गेहूं खराब होने की बजाय सस्ते भाव में दे दिया जाए। सीजन 2011-12-13 में गेहूँ खुले आसमान के नीचे रखा गया था, जो कि आज अधिकारियों की लापरवाही के चलते हजारों टन मिट्टी बन गया और सरकार को इसका कितना नुकसान होगा यह तो आंकड़े ही बता सकते हैं। लेकिन यह गेहूं न तो किसी गरीब के पेट में गया और न ही अब जानवर इसको मुंह मारते हैं। जब हमारी टीम ने इस गेहूं के बारे में पंजाब एग्रो जिला मैनेजर जगतार सिंह मलही से बात करनी चाहिए तो जनाब कैसे अपनी कुर्सी छोड़कर अपनी गाड़ी से बाहर कहीं विजिट करने का बहाना कर जाने लगे और इस गेहूं के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। अब यह तो जना भी जानते हैं कि हजारों टन खराब हुए गेहूं की कितनी कीमत होगी और इसका जिम्मेदार कौन होगा।